फिर मैंने उसको जाने दिया कि चल जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हुआ था क्रॉस कंट्री में मेरे साथ। अच्छा, एक बॉल वाला लोग पूछ रहे हैं तो मैं एक बॉल का इंसिडेंट सुना देता हूँ, शायद कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले सुना था, कोल्ड कॉफ़ी वाला IMA बॉल का। तो मैं आपको बताता हूँ IMA बॉल में मेरे साथ क्या हुआ था। ये जिन्होंने सुन लिया है उनके लिए शायद रिपीटेशन है, बट देन समटाइम्स रिपीटेशन इज़ फाइन। सो IMA बॉल में क्या हुआ, सिंगल गए हम, सख्त लौंडे, सिंगल जाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाने पे फोकस रहेगा, लड़कियों को टाइम नहीं दे सकते, खाने को पूरा टाइम देंगे। तो ये हमारा पहले से मोटो था और हम इसको फॉलो करते हैं। NDA में भी सिंगल थे, तो ये आप जान लो कि NDA में भी सिंगल गए, RIMC में तो होता ही नहीं था बॉल वॉल। RIMC में एक बार कराया था बॉल, एक मेरी पार्टनर भी बनी थी, उसने कभी ज़िंदगी में उसके बाद टची में नहीं रही, पता नहीं मैंने इतना बात भी नहीं कर पाया या कुछ बोल भी नहीं पाया, बाकी लोग इंटरेस्टिंग थे थोड़े। और बल्कि वो जो, क्योंकि सबको कंपलसरीली एक एक मिला था बॉल पार्टनर आर आई एम सी में सबको एक एक पार्टनर मिला था। सो जब कंपलसरीली मिला तो पता नहीं मेरे पार्टनर को दूसरे लोग पसंद आने लग गए, मैं नहीं आया। तो वो हो जाता है भाई, अब तुम में इतनी काबिलियत नहीं है और सीनियर तुम्हारे इतने स्मार्ट स्मार्ट लौंडे, क्योंकि क्या है 12th के ना RIMC में दो हिस्से होते हैं, जो 12th वाले भी है एक पोर्शन जूनियर होता है, एक पोर्शन सीनियर होता है। तो हमारे जो सीनियर पोर्शन थे ना वो बहुत स्मार्ट स्मार्ट लड़के थे, मतलब अलग लेवल के, ठीक है। तो वो जो लड़के थे वो पसंद आ रहे थे उनको, हम नहीं आ रहे थे यार, पता नहीं क्या बात रह गई, हम थोड़े पीछे रह गए। तो मैडम को वो पसंद था। तो ये था कि जब वो बॉल ख़त्म हुआ तो इन्होंने जब प्लान बनाया तो इनके जो पार्टनर्स थे सब मिलने को तैयार हो गए, मेरी जो पार्टनर थी वो इनसे मिलने को तैयार हो गई। वो अलग बात है कि मैंने नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता चला कि वो इनसे मिलने को तैयार है उसको। तो ऐसा है, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। नहीं, मैं दुखी नहीं हुआ यार, दुख होने वाली क्या बात है, मेरा जिगर बहुत बड़ा है। मुझे ये पता था कि जब मुझे यार किसी को पटाना ही नहीं है, जब मुझे किसी को ऐसा कुछ मतलब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मुझे पता था कि यार ये लोग ज़्यादा सही है, इनका ही चलेगा। तो मैंने उनको भी जाने दिया, वो बाद में मुझे पता चला कि वो उनसे मिलने को तैयार थी पर मुझे कभी पूछा नहीं। तो वो अलग बात है, वो सब छोड़ दो, ये सब भूल जाओ कहानी, मेरी बेइज्जती बाद में होती रहेगी। अब आते हैं IMA बॉल पे, ठीक है। अब IMA बॉल में खास बात क्या है कि एक कोल्ड कॉफ़ी था, वो बहुत अच्छा था, बाकी खाना ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छा था। तो जो भी जाता था, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी लिमिटेड था, छोटे छोटे कप में, इतने से कप में आपको दे रहे भर के, आप पियो, पी के आपको दूसरी बार मांगोगे तो वो दूसरी बार में आँख दिखा देगा जो दे रहा था कि क्या है, ऐसे कैसे। तो नहीं दे रहा था वो, तो एक बार ही मिलेगा सबके लिए वरना नहीं मिलेगा। तो ऐसे लिमिटेड था कोल्ड कॉफ़ी हमारे, तो बटालियन वाइज था, तो हमारे बटालियन में वो लिमिटेड ही दे रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार, मेरा टर्न था, अब मैं सिंगल था। तो अब क्या होता है कि पहले तो सब नाच रहे, सब मिलके नाच रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, दोस्तों के साथ नाच रहे थे। फिर एक टाइम आता है जब वो बॉल डांस वाला होता है, जब कपल डांस होता है, बेसिकली कपल डांस करते हैं। तो अब हमारे पास कपल ही नहीं, हम किसके साथ डांस करें भाई, अब सिंगल सिंगल लौंडे जो है वो तो डांस करेंगे नहीं आपस में, ठीक है। तो हमने सोचा कि यार अब क्या करें, अब तो कोल्ड कॉफ़ी पीने का टाइम आया, उसी पर फोकस मचाते हैं। तो हम चले गए कोल्ड कॉफ़ी वाले के पास। अब मुझे पहले से ही मिल गया खबर कि भाई वहाँ जाएगा, एक गिलास से ज़्यादा नहीं मिलेगा, सबको भगा दे रहा है वो, एक गिलास दे रहा है और भगा दे रहा है। मैंने बोला ठीक है भाई, अब हम तो बचपन से भांड रहे हैं, एक्टिंग वैक्टिंग आती है, तो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला, उसने और मेरे बीच में कौन सा इज्जत का सवाल है, कैडेट है हम भी, उसको भी पता है कि हम मांगेंगे 10 बार। तो मैं गया, उसने मुझे पहला कप भर के, मैंने बोला भैया एक कप कोल्ड कॉफ़ी देना। बोला आपने पहले पिया है? मैंने बोला नहीं नहीं पहले नहीं पिया है, पहली बार आ रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है ठीक। तो उसने कप में भर के मुझे दिया, तो मैंने ऐसे कप लिया और मैंने ऐसे ना, मैं उसकी तरफ नहीं देखा, मैं ऐसे बॉल में देख रहा था, मैं कुछ देर हाथ में रखा और फिर मैंने पहला सिप लिया। मैंने लेते ही ना मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और मैंने बोला नहीं। तो बोलता क्या हुआ? बोला ये कॉफ़ी आपने बनाई नहीं है। किसने बनाई ये कोल्ड कॉफ़ी? बोला क्यों खराब है? मैंने बोला नहीं, ये एक ऐसा कोल्ड कॉफ़ी है जहाँ दूध का मात्रा परफेक्ट, चीनी का मात्रा परफेक्ट, कॉफ़ी ना एक इंच ऊपर ना एक इंच नीचे। तो ये आपने नहीं, ये शायद मशीन से बनाया हुआ होगा, या तो फिर आप CCD से लेके आए। क्या ये CCD का कोल्ड कॉफ़ी है? वो बंदा नहीं, ये सच में मेरा, मैंने बनाया है। वो एकदम टोन डाउन हो गया, बोलता है नहीं ये सच में मैंने बनाया है। मैंने बोला नहीं भैया सच बताइए, सच आपने बनाया? बोलते हाँ मैंने बनाया। मैंने बोला अरे यार भैया, ऐसा कोल्ड कॉफ़ी आप बनाओगे
और फिर आप बोलोगे कैडेट को कि एक ही ग्लास पिए, ऐसा कैसे चलेगा? चलो कोई बात नहीं, मेरा तो किस्मत ही खराब है, एक ही ग्लास मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है भैया। मैं, अरे मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एक ही ग्लास पी सकता हूँ। और फिर मैंने पिया ना, उसने क्या बोला मुझे, अरे सुनो मैं हूं ना, किस बात का टेंशन तुम्हें, किस बात का टेंशन, लाओ कप। मैंने बोला नहीं नहीं भैया एक सेकंड, दूसरे को भी तो मिलना चाहिए ना, मेरी वजह से अब दूसरे को नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं कि अरे मैं बता रहा हूँ मिल जाएगा सबको, कप दो। फिर मैंने बोला चलो आप अब आप बोल रहे दीजिए, क्योंकि भैया ऐसा कोल्ड कॉफ़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया। उसने फिर भरा, फिर मैं ऐसे कप लिया, सेकंड कप, कप पीते पीते फिर मैं बोला अच्छा भैया एक बात बताओ, आप जो बनाते हो आप क्या मतलब कुछ सोचते हो, आपका कुछ स्पेसिफिक मेजर है कि मैं इतना ही डालूंगा, नाप के डालते हो, क्या बात है, मतलब इतना कैसे परफेक्ट? तो बोलते हैं नहीं मैं दिल से बनाता हूँ ऐसे वैसे। तो ऐसे बातें करते करते मैं 9 कप कोल्ड कॉफ़ी पी गया। ठीक है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर यू आर विलिंग टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप। तो आपको आपको अपना रास्ता खुद निकालना है। ठीक है, बाकी जो 50-60 लड़के गए थे उन सबको एक एक कप दे के भगा दिया, पर हमने उसे अच्छे से बात की, हमने उसे बताया, एक अपना थोड़ा टैक्टिक्स लगाया, तो हमको मिला कोल्ड कॉफ़ी, हम ज़बरदस्त पिए। तो जब पिया इतना मज़ा आया, मतलब पी के तो 8-9 कप पी गए। और फिर यही बात है, फिर उसके बाद हम चले गए डिनर पे, डिनर पे फोकस था। और IMA में मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप कोई एकेडमी में होते हैं तो आपका जो खाने का पैटर्न होता है ना, वो खाने का पैटर्न इसलिए नहीं होता है कि आपको भूख लग रही होती है, आपका खाने का पैटर्न इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ चीज़ देख सकते हैं तो आपको लगता है वो मैं खा सकता हूँ, तो आप खा लो, तब आपका कोई लिमिट नहीं होता है कि मैं यार मैं मेरा पेट भर गया इतना, मैं इतना ही खा सकता हूँ, मतलब ऐसा लगता है खाना यहाँ तक। मैंने उस दिन भी बताया था खाना यहाँ तक होगा, कोल्ड कॉफ़ी यहाँ तक, डिनर यहाँ तक, पुडिंग यहाँ तक आ गया। तो अब आपको क्या लग रहा है ना कि यार इतना सा एरिया तो मेरा बचा हुआ है, अब मैं इस इतने से एरिया में मैं क्या भरूँ ताकि कल सुबह जब मैं उठूं मुझे ये ना लगे कि यार वहाँ पे गुलाब जामुन, आइसक्रीम और कोल्ड कॉफ़ी भी एक्स्ट्रा थी और मैं नहीं खाया कल। मैं बता रहा हूँ मैं डिप्रेशन में मर जाऊँगा। मैं सुबह उठ के अगर मुझे लगा कि वो खाना ख़त्म नहीं हुआ था और मैं खा सकता था, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, तो डिप्रेशन में चला जाता। तो उस डिप्रेशन से बचने के लिए आप इस रात को दबा के खा लेते, ठीक है। फिर आपका ऐसा होता है कि नहीं मैं देख पा रहा हूँ, फिर आपका यहाँ तक भी पुडिंग आ जाता है, फिर आप ख़त्म हो जाता है, फिर आप लास्ट में क्या करोगे? लास्ट में वही वाला तरीका है, आप खड़े हो जाते हो, थोड़ा बहुत बॉडी को रिलैक्स करो, तो खाना क्या होता है थोड़ा नीचे चला जाता है, जैसे ही नीचे चला जाता है फिर से खा लो, यहाँ तक आना चाहिए, मतलब आपका हालत ऐसा हो जाना चाहिए कि आँखों से आपको आगे का सीन नहीं दिखे, आँखों में गुलाब जामुन जैसा लगे कि भाई सामने भी गुलाब जामुन दिख रहा है, इधर बिरयानी है, उसके आगे कोई सीनरी नहीं दिखेगा आपको, खाना इतना भर जाता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ वी ईट इन अकेडमी, देर इज नो लिमिट। अब ईटिंग पे आ गए तो आपको एक मजेदार कहानी बताऊं। इन NDA, दिस इज नाउ आई विल शिफ्ट बैक फ्रॉम IMA नाउ टू NDA, फूड रिलेटेड है तो आई विल कम बैक टू NDA। सो हम लोग अगेन वी वर इन 5th or 6th term, सो एक हमारे कोर्समेट का बर्थडे था, वो थोड़ा ही वॉज फ्रॉम गुड वेल टू डू फैमिली, तो उसने बोला कि भाई देखो ऐसा है सारे 20-25 जो लोग हम थे, 25 लोग, सबको ले चलते हैं US पिज्ज़ा। जिन्होंने सुना होगा पुणे में एक, पता नहीं कहाँ पे था वो, मैं जगह भूल रहा हूँ, पहला खुला था US पिज्ज़ा, तो उन्होंने बोला 125 में अनलिमिटेड पिज्ज़ा, अनलिमिटेड मतलब एक वेज, एक स्टाइल ऑफ वेज पिज्ज़ा, एक स्टाइल ऑफ नॉन वेज पिज्ज़ा, वो आप अनलिमिटेड खाओ, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक ही ग्लास मिलेगा, सूप मिलेगा और गार्लिक ब्रेड मिलेगा, गार्लिक ब्रेड ये सब लिमिटेड था, हर किसी को 3-3 पीस ऐसा करके लिमिटेड था, पिज्ज़ा वॉज अनलिमिटेड। तो हम लोगों ने बोला कि चलो भाई US पिज्ज़ा में खाते, 125 है, सस्ता भी है, सबका 125 पर हेड पड़ेगा और दबा के खा सकते हैं, ठीक है भाई। तो सब मिलके संडे को लिबर्टी थी, स्पेशल रिक्वेस्ट किया स्क्वाडन ऑफिस से, तो स्क्वाडन ऑफिस ने बोला ठीक है ऑल ऑफ यू गो। तो हम लोग गए US पिज्ज़ा में, आप बिलीव नहीं करोगे, US पिज्ज़ा में हम लोग दोपहर को बैठे, दोपहर को तकरीबन 12-12:30 हम सारे पहुंच गए, 12:30-1 बजे खाना स्टार्ट किया, 3:30-4 बजे तक उसका टाइमिंग था, सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक खुलना, 3:30-4 बजे शाम के 4 घंटे हुए थे, उन्होंने बोर्ड टांग दिया बाहर कि पिज्ज़ा इज़ क्लोज्ड, लोग बाहर हंगामा मचाने लग गए क्योंकि बाकी भी कॉलेज के लड़के लड़कियाँ आते हैं,
संडे को, तो वो चिल्लाने लगे भैया अंदर तो बैठ के खा रहे हैं। तो बोला नहीं, अंदर जो बैठ के खा रहे हैं बस वही खा सकते हैं, आप लोगों के लिए और पिज्ज़ा बचा नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको देने जाएंगे ना तो सर इनको नहीं दे पाएंगे, और इनको दे रहे हैं तो आपको दे नहीं पा रहे, ये इतना ज़्यादा खा रहे हैं। तो 125 में हम लोगों ने ऐसा दबा के पिज्ज़ा खाया, आप बिलीव नहीं करोगे, शाम के 7 बजे तक, मतलब लोग चौंक गए उसमें। लास्ट में वो रिक्वेस्ट करने लग गए कि सर आप लोग आज कब तक बैठोगे, सर कब तक बैठोगे, हम आपके बाद ना बंद कर देंगे आज शॉप, तो आप कब तक बैठोगे। तो हमने बोला भाई जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, मतलब जब तक मर नहीं जाते पिज्ज़ा खाते रहेंगे, क्योंकि 125 में अनलिमिटेड तुमने बोला क्यों, तुमको बोला था, हमने पूछा था अनलिमिटेड, तुमने बोला अनलिमिटेड है, तो हमारा जब तक लगेगा नहीं कि आज का पूरा पैसा वसूल हो चुका है, हम लोग नहीं जाएंगे। तो दबा के 125 में खाए शाम के 7 साढ़े 7 बजे, हमें तो एकेडमी 8 सवा 8 तक पहुंचना होता है, तो हम 7 सवा 7 बजे निकल गए, सभी एकेडमी पहुंचे। अगले संडे कुछ 3 4 लोगों का ग्रुप था, हम लोगों ने डिसाइड किया चल फिर से यूएस पिज्ज़ा चलते हैं, उनके जाके अच्छे से लेते हैं फिर खाते हैं। तो ऐसे 2 4 ग्रुप थे, वो सभी ने डिसाइड किया कि चलो यार फिर साथ ही चलते हैं, 10 12 लोग फिर खाएंगे। जब हम पहुंचे तो हमने देखा उन्होंने कर दिया है 250 रुपीज़ अनलिमिटेड पिज्ज़ा, मतलब एक संडे में उन्होंने प्राइस को डबल कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आया कि 125 में अगर हमारे जैसे लोग आ गए तो वो यूएस पिज्ज़ा चल नहीं पाएगा, वापस पैक करके यूएस जाना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो पुणे में यूएस पिज्ज़ा को ऐसे लगभग बंद करवा दिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने वापसी की, पैसे बढ़ा दिए। अच्छा एक सेकेंड, सो यूएस पिज्ज़ा यू नो की वापसी की, उन्होंने पैसे बढ़ा बढ़ा के, तो हम लोग उसके बाद नहीं गए। हाँ ऑफर ख़त्म हो गया यार, ऑफर ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने फिर वो कर दिया ना कि 250, मतलब ऑफर था अनलिमिटेड पिज्ज़ा का ही, लेकिन प्राइस डबल हो गया था। तो अब हम 250 रुपये दे के नहीं खाएंगे, एनडीए वाले इतने पैसे वाले तो नहीं होते, सो यू नो मतलब हम होते भी नहीं है। और क्या है कि सभी कोर्समेट है, अगर आपके पास पैसा है भी और उसके पास नहीं है और आपको पता है कि इफ़ यू कैन गिव इट इट्स ओके, तब हम जाते हैं कि चल आज मैं तेरा पे कर दूंगा, बट देन यू अंडरस्टैंड कि